झील दिखती है, इसकी जो शेप है ना ये झील की ऐसी है। आप देखो इसके चारों तरफ रोड है, लिखा हुआ भी है कोडाई कनाल लेक। आप देख रहे हो, बता रहे हैं कि ये देखो हम यहाँ पर हैं। ऐसे इसके चारों तरफ आप गाड़ी लेके आराम से आके जा सकते हो। ये चीज ये इसकी शेप है। गाइज ये जो देख रहे हो ना मेरे पीछे आप, ये पूरी कोडाईकनाल लेक है। देखो लोग बोटिंग कर रहे हैं इस साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैक साइड से। ट्री के पीछे जस्ट आ रहा है वो, हम इस वाले हमने ये लेक व्यू वाला लिया था, जस्ट इसके पीछे जो देख रहे हो आप वो वाला, ये वाला हमने लिया था। इसके ऊपर देख रहे हो वो वाला ऊपर वाला, ये पूरा लेक का पूरा व्यू दिखता है। रात को बहुत अच्छा लगता है इधर की साइड में देखने के लिए। आइस पूरी को देख रहा है धीरे धीरे। अब हम बैक टू पवेलियन जा रहे हैं भाई। देखो को बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ को राउंड लेके बनाओ, निकल कर धीरे धीरे शुरू घुमाओ। अभिमन्यु टाटा करो मेरे को, हम दोनों की फोटो भी ले लेंगे। स्टॉप कर दो, अभी फोटो ले लो उसके साथ। Dying to know it all. Stories of joy. देखो गाइस मैं दिखाता हूँ अभी रास्ते में कैसा व्यू दिखा हुआ है, जहाँ मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगा के रखे हुए हैं कि इधर की साइड में भी वाइसन सब है, तो आप थोड़ा उसका ध्यान रखें। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का बैकग्राउंड। आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू इधर की साइड से आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है इधर आके, मशीन की लाइफ से बाहर आके बहुत मज़ा आ रहा है कि साइड में आके। मैं तो कहता हूँ जो इधर रहते हैं, जो नॉर्थ साइड में रहते हैं, एक बार आके जरूर कोडाईकनाल विजिट करें। मतलब शिमला वाली जैसी जगह तो है ही फीलिंग्स, लेकिन थोड़ा सा कुछ कल्चर ऐसा अलग है। अब देखो भाई मैं आपको इधर दिखाता हूँ रिवर, और मैं और अभिमन्यु आ गए हैं रिवर देखने के लिए। अभिमन्यु दिखाओ कहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ बैक साइड। वो अच्छी रोड आ रही है ना, देखो अच्छी रोड, सामने गाड़ी आ रही है, देखो तो यहाँ पे भी कार आ रही है, सब बनाओ तो यहाँ पे बहुत सारे कार, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्री गिरे हुए हैं, टूटे हुए ब्रेक ट्रीज है। ये देखो यहाँ पे भी वो थोड़े गर्म से लगा था मुझे अभी। देखो मैं कोकल लेक आपको दिखाता हूँ, बहुत पास से, एकदम बहुत पास है अपने, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। वो देखिए उधर कोई नहीं है, यहाँ पर एकदम शांति है। और जो हम जिस कॉटेज में रुके हुए हैं ना, वो कॉटेज में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खड़ी है, ये रे अभिमन्यू, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है हमने। और जो हमारा गेस्ट हाउस है वो आपको मैं दिखाता हूँ, हल्का सा आपको दिखाता हूँ कहाँ पर गेस्ट हाउस है। ये देखो वो दिख रहा है ना आपको ऊपर, वो दिख रहा है ना आपको, वो गेस्ट हाउस है हमारा इस साइड में। देखो ये वो गेस्ट हाउस है। वहाँ के साथ गेस्ट हाउस है। ऐसे ऐसे हम लोग वहाँ से इधर की साइड से आए हैं, नीचे की साइड से ऐसे ऐसे। कोई गर्मी नहीं है, इतना शांत टेम्परेचर है। हमें भाई कोकल के पास अच्छा सा एक सरफेस मिला है, प्लेन सरफेस। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, उस साइड में वो अभिमन्यु बैठा हुआ है, वहाँ पर हमने अपना जो टेंट का प्रोग्राम था वो लगाने का लगा दिया। आप वेदर देखिए, आप क्लाउड देख सकते हैं। ये देखिए इतनी हाइट पे हम लोग आ गए हैं कि यहाँ 5 मिनट में सनलाइट आती है, और 5 मिनट में सूरज आ जाता है, 5 मिनट में क्लाउड आ जाते हैं, बादल और बारिश का पूरा मौसम। आज तो बता दें कि बारिश का मौसम नहीं है। हैं अपने रिजॉर्ट में। तो अभिमन्यु सबको बाय कर दो। चलो हम अपनी कैंपिंग करके आ चुके हैं और ये वहाँ से जो हम लोग गए थे जहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, वहाँ से ये नीचे आने का रास्ता है और बहुत ही जंगल वाला रास्ता है। आप देख सकते हो रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है। अभिमन्यु और हम आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये कुआं जो है बहुत एकदम घना जंगल लग रहा है देखने में। तो अभिमन्यु बोल रहा था कि यहाँ कुछ भी है। देखो कितना डेंजर रास्ता है भाई। देखो अभिमन्यु को अन्ना लेके जा रहे हैं, मुझे भी उतरना है। लो ये लो भाई, ट्रैकिंग है, ऐसे पकड़ के आना है ना। मेरे पास ये भी हीरो भी है। हाँ ऐसे धीरे धीरे करके आना है। अभिमन्यु मुझे पकड़ के आना, ये आराम से आना है देख के। हैं मेरे साथ एक लब्बे भी है। वाटरफॉल है पास में। वाटरफॉल हो रखा है नंबर। आपको वाटरफॉल जहाँ से हम आए हैं ये देखो, आप यहीं से देखो, आप आगे मत जाना, यहीं से